नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 जुलाई शनिवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी तरह के धार्मिक आयोजनों, जुलूस, मेला, शोभा यात्रा व अन्य भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा भी प्रतिबंधित रहेगी। 21 जुलाई को ईद उल जुहा पर सार्वजनिक नमाज और सार्वजनिक इबादत पर भी रोक लगा दी है। गृह विभाग ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। धार्मिक कार्यक्रमों पर यह रोक आज 17 जुलाई से ही लागू होगी। प्रसिद्ध धार्मिक मेले भी नहीं लगेंगे। जैन धर्म के चतुर्मास के दौरान भी भीड़भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। अनलॉक 4 में भी धार्मिक गैदरिंग, मेलों और धार्मिक यात्राओं, जुलूस पर पाबंदी थी, लेकिन कांवड़ यात्रा और ईद उल जुहा को लेकर स्थिति साफ नहीं थी, लेकिन गृह विभाग ने अब स्थिति साफ कर दी है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन में स्विमिंग पूल पहले की तरह ही बंद रखने का प्रावधान किया है। पब्लिक पार्क और गार्डन सुबह 5 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति है। सवाईमाधोपुर जिले के सुरवाल क्षेत्र में पढ़ाना गांव में बीते दिन हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे में कर दिया है। पुलिस ने अनुसार हंसराज मीना की हत्या उसकी बेटी और पत्नी ने मिलकर की। हंसराज और उसकी पत्नी के बीच 2 साल से झगड़ा चल रहा था। असल में हंसराज और उसकी पत्नी बर्फी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि परिवार में कलह बना रहता था। दोनों के बीच बोलचाल बंद था। ऐसे में नाबालिग बेटी हमेशा माँ का ही साथ देती रही। बीती रात सोने से पहले हंसराज को उसकी बेटी ने ही नींद की गोली खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर माँ और बेटी ने डंडों से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में पत्नी बर्फी और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर जिले के लूनकरनसर थाना क्षेत्र में आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की 3 अवैध दुकानों को सीज किया है। मिली जानकारी के अनुसार आबकारी पुलिस ने धीरेरा और लूनकरनसर में यह कार्रवाई की। वही ग्रामीणों ने स्थानीय आबकारी पुलिस पर शराब ठेकेदारों से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। आबकारी थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रतापगढ़ जिले में व्यापारियों को मोबाइल पर धमकी देकर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार अरनोद के 2 व्यापारियों से 40-40 लाख रुपए मांगे गए हैं। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी बाइक शोरूम मालिक और किराना व्यापारी को मिली है। धमकी मिलने के बाद इलाके में व्यापारियों में भय और दहशत का माहौल है। व्यापारियों ने अरनोद थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। सिरोही जिले के पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग से अश्लील हरकत कर व एसिड के हमले की धमकी देने के मामले में दोषी प्रदीप उर्फ सोनू व उसकी मां को 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि आबूरोड सदर थाना में 30 जुलाई 2019 को यह मामला दर्ज हुआ था। जयपुर जिले की खो नागोरियन थाना पुलिस ने बेरोजगार युवकों को बड़ी बड़ी नौकरी के सपने दिखाकर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जयपुर में 3,000 से ज्यादा युवकों से 80 लाख की ठगी कर चुके हैं। नौकरी के विज्ञापन देकर युवकों को झांसे में लेते थे, इसके बाद उनसे लाखों रुपए हड़प लेते थे। हैरानी की बात तो ये है कि दोनों ठगों ने मर चुके अपने चाचा के नाम से बैंक में खाता खुलवा रखा था। चाचा के नाम से ऐड देकर ठगी करते थे। फोन पर भी चाचा के नाम से ही बात करते थे। पुलिस ने मामले में दिलीप शर्मा उर्फ नरेश शर्मा निवासी नटाटा आंधी जयपुर व विजेंद्र कुमार उर्फ विजय कुमार निवासी जमवा रामगढ़ जयपुर को गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले के नाथद्वार में पुत्र के बाद पुत्री भी साथ छोड़ गई, यह कैसी नियति है। जानकारी के अनुसार नाथद्वारा के समाज सेवी अम्बालाल लूडा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन पहले उनके युवा पुत्र का बीमारी से निधन हो गया था। देवगंत पुत्र भरत लूडा नाथद्वारा में कांग्रेस पार्षद थे। भरत लूडा विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के करीबी थे। अब कुछ दिन बाद ही भरत की बहन राजश्री पोखरना भी चल बसी। अम्बालाल नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड में बरसों तक जनसंपर्क अधिकारी रह चुके हैं। अलवर जिले के कोटकासिम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए की डकैती का 4 साल से पैरोल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी रोहित निवासी मैनावास की ढाणी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से देसी कट्टा व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपी 4 वर्ष पूर्व पैरोल पर आया था, तभी से वह फरार चल रहा था। सीकर जिले की फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी में भाजपा नेता के बेटे सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध शराब की 30 पेटी बरामद कर एक ट्रक को भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि NH-65 पर सोनू होटल के पीछे कच्चे रास्ते में कुछ लोग अवैध शराब लेकर जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदित्य भिंडा, हितेश मुकुंद सिंह, जितेंद्र स्वामी, सलीम व अब्दुल रहमान को पकड़ा है। शराब तस्करी में पकड़ा गया आदित्य भिंडा पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा का पुत्र है और विधायक का चुनाव भी लड़ चुका है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और कहां ले जाई जा रही थी। मामले में पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा का कहना है कि उनके पुत्र को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, शराब तस्करी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में आकाशीय बिजली का कहर एक परिवार के मासूम बच्ची पर काल का ग्रास बनकर सामने आया। घर के बाहर पेड़ के नीचे खेल रही मासूम बच्चियों पर अचानक आकाश से बिजली आ गिरी। बिजली गिरने से तीनों बच्चियां झुलस गई। परिजन बच्ची को गोगुंदा चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने एक बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्रिया कालबेलिया अपने घर के आंगन में खेल रही थी, इसी दौरान आसमान से कड़कड़ाती बिजली प्रिया पर काल बनकर गिरी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।